हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, आप पहले ये बताओ, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं किया है, जो भूल गए हैं, तो अभी कर लीजिए, ठीक है? अभी एकदम चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद फिर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, यानी इवन एंड ऑड नंबर्स। चलिए, क्या होते हैं, व्हाट आर इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स? इवन नंबर्स क्या होते हैं, पहले एक बार डेफिनेशन को आपकी बताते हैं, फिर इसको समझाएंगे। ए नंबर दैट हैज द डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इन द वंस प्लेस, यानी वो नंबर जिसके वंस प्लेस पर, ये देखिए ऐसे होता है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और बाकी भी जितने भी हम लिखना चाहें। तो वंस प्लेस पर ये हमारे नंबर लिखा है 5, 3, 2, 7 ऐसे। तो ये जो प्लेस होती है हमारी, जो लास्ट से जो स्टार्ट होता है, क्योंकि इसी से हम वंस, टेंस, हंड्रेड करना शुरू करते हैं, तो ये जो प्लेस होती है इसको बोलते हैं वंस प्लेस। ओके, इसको क्या बोलते हैं, वंस प्लेस। तो हम चेक करते हैं कि वो नंबर जिसके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 ये डिजिट हो, इनमें से कोई भी डिजिट हो, यानी या 0 हो, या 2 हो, या 4, या 6, या 8 हो, कहां पर, वंस प्लेस पर। तो वंस प्लेस इनका चेक करेंगे, अभी हम आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं। तो जैसे हमारा ये नंबर है, यहाँ ये हमने वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड ऐसे इसको लिख दिया, ठीक है। तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। या बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि सारे नंबर एक साथ होंगे, नो, या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। तो वन स्पेस पर एक ही होगा इनमें से, तो हम उसको ही चेक करेंगे कि वन स्पेस पर इनमें से कौन सा नंबर है। अगर है इनमें से कोई नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा इवन नंबर। तो चलिए चेक करते हैं, ये नंबर है 4720, इसके वन स्पेस पर 0 है, तो ये क्या है, इवन नंबर। ऐसे ही हमने एक अदर नंबर लिया जिसके वन स्पेस पर क्या है, सिर्फ वन स्पेस को चेक करो, इसके वन स्पेस पर है 2, तो ये भी एक इवन नंबर हो गया। इसके वन स्पेस पर है 4, फिर है 6 और अगला एक नंबर है जिसके वन स्पेस पर है 8। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं इसके हैं इवन नंबर के, ओके। यानी जिसके वन स्पेस पर, वो नंबर जिसके वन स्पेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो नंबर इवन नंबर कहलाता है। A number that has the digit 0, 2, 4, 6 or 8 in the ones place is called even number. Okay? तो अब आप लोग आराम से ढूंढ लेंगे कि even number कहाँ लिखा हुआ है। अब चलिए next है odd number. Odd number कौन से होते हैं? A number that has the digit 1, 3, 5, 7, 4, 9 in the ones place. यानी वो नंबर जिसके वन स्पेस पर या तो 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वो नंबर कहलाते हैं ऑड नंबर्स। ओके, कैसे, चलिए एक बार देखते हैं। ये हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं आपके लिए। तो फर्स्ट हमारा है ये वन स्पेस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड, करेक्ट। तो वन स्पेस पर हमारे क्या है, 1, ओके, तो ये एक और नंबर है। अब नेक्स्ट में वन स्पेस पर क्या है, 3, और नंबर है। ऐसे ही नेक्स्ट को देखो, इस पे है 5, तो ये क्या है, 5, तो और नंबर है, फिर 7 और फिर 9। तो सिर्फ हम क्या चेक करेंगे, वन स्पेस चेक करेंगे, यानी वो नंबर जिसके वन स्पेस पर या तो 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वो कहलाते हैं ऑड नंबर्स। ओके, अब हम आपको दो क्वेश्चन देंगे और आप हमें बताओगे इनमें से
लिखते हैं, 2, 4, 5, 6 पहला नंबर एंड सेकेंड नंबर इज 2, 4, 5, 7 ध्यान से देखना और तब बताना कि इवन नंबर कौन सा है और नंबर कौन सा है। हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है वेरी गुड वंस प्लेस को, तो हम चेक करेंगे वंस प्लेस को। ये होता है ना हमारा लास्ट वाला, ये वाला वंस प्लेस होता है, यहीं से नंबर लीड होते हैं। तो वंस प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 6 और 6 हमारे कहां पे लिखा हुआ है, इसमें से 6 किस में है, इवन नंबर में, यहां पर, यानी 0, 2, 4, 6 और 8 जब होते हैं तो वो नंबर हमारा इवन नंबर कहलाता है। ऐसे ही वंस प्लेस पर हमारे है 6 तो ये नंबर हमारा कहलाएगा इवन नंबर। सो वी विल राइट हियर दिस नंबर इज इवन नंबर एंड विल चेक द अदर नंबर। नाउ 2457 यानी 2457 यानी अब हम चेक करेंगे कि वंस प्लेस पर कौन सा नंबर है। तो वंस प्लेस पर इसके है 7 और 7 कब होता है, यहाँ पे देखिए 1, 3, 5, 7, 9 लिखा हुआ है ना, कहाँ लिखा हुआ है, ऑड नंबर्स में। यानी ऑड नंबर कब होता है, जब किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 1, 3, 5, 7 या 9 हो, और इसके वंस प्लेस पर क्या है 7, तो ये नंबर क्या हुआ, ऑड नंबर। वेरी गुड, शाबाश। अब नंबर चाहे हमारे पास कितना भी बड़ा हो, चलो एक और दिखाते हैं, बहुत बड़ा नंबर लिखेंगे और उसमें से आप फाइंड आउट करेंगे कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। यहां लिखते हैं थर्ड नंबर, देखो कितना बड़ा नंबर है, रीड करेंगे फिर। अच्छा रीड करने से पहले हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये नंबर इवन है या ओड नंबर है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही है इवन या ओड नंबर पर। तो कितना बड़ा नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, हमें सिर्फ चेक करना है इसका वंस प्लेस। वंस प्लेस कहां पर होता है, हेयर। वेरी गुड, तो यहां पे इसका वंस प्लेस है, हम चेक करेंगे कि यहां पर क्या लिखा है। तो यहां पे हमारा लिखा है 2 और 2 किस में आता है, इवन नंबर में, तो ये नंबर कौन सा हुआ, इवन नंबर। ओके, यानी हम आसानी से बता सकते हैं चाहे नंबर हमारे पास कितना भी बड़ा हो, चाहे वैल्यू कितनी भी बड़ी हो, तो हम इजीली बता सकते हैं उसका वंस प्लेस चेक करके कि अगर वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो इवन नंबर है, अगर वन स्पेस पर 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो ऑड नंबर है। ओके, तो आप आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इसको हमेशा याद रखोगे, अब बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।